हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हैवी सूट्स का कलेक्शन लाई हूँ। इस वीडियो में जो आप हैवी एम्ब्रॉयडर्ड सूट का कलेक्शन देख रहे हैं, ये स्पेशली न्यूली मैरिड वुमेन के लिए है। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप इस तरह के हैवी सूट्स का कलेक्शन रख सकती हैं शादी के कपड़ों में, क्योंकि शादी के बाद जो है इस तरह के हैवी सूट्स पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप किसी डिनर डेट पे जाते हैं तो आपको इस तरह के सूट पहनने चाहिए जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, या फिर अगर आप इनवाइटेड हैं कहीं पे तो आप इस तरह के सूट जो हैं पहनकर जा सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी लुक देती हैं। अगर आप न्यूली मैरिड हैं और अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आप इस तरह के हैवी सूट्स पहन के जा सकते हैं, आपकी लुक जो है काफ़ी अच्छी आएगी, काफ़ी डिफरेंट आएगी। और अगर आप किसी की वेडिंग के फंक्शन पे जाते हैं तो आप इस तरह के हैवी सूट पहन के जा सकती हैं, क्योंकि न्यूली मैरिड को हैवी सूट्स पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। शादी के बाद जितने भी पहले फंक्शंस आते हैं उसमें हैवी जो सूट्स हैं वो पहने हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं और पहनने भी चाहिए। जैसे कि अगर पहली दिवाली है तो उस दिवाली में अगर आप हैवी सूट्स पहनते हैं तो आपकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी। और वैसे भी त्योहारों पर जो है हैवी कपड़े ही पहने जाते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आपका पहला करवा चौथ है तो आप इस तरह का हैवी सूट पहन सकती हैं और लुक भी काफ़ी अच्छी आएगी। और करवा चौथ पर वैसे भी आप रेड या मैरून सूट जो है हैवी पहन सकती हैं। आप नवरात्रों पे इस तरह के जो है हैवी सूट्स पहन सकती हैं, 9 दिन नवरात्रे चलते हैं, आप डेली डिफरेंट डिफरेंट हैवी सूट्स पहन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी, इस तरह के जो हैवी सूट्स हैं कैसे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि और अच्छी वीडियोस ला सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।